नमस्कार दोस्तों, बिहार किचन में आपका स्वागत है। और ये देखिए, पटसन यानी पटुआ का साग, नेचुरल एकदम हेल्दी, और आज यही बनेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी थोड़ा हम तोड़ ले इसको ताज़ा ताज़ा। देखिए, और ये ऐसे बनता है। मिलते हैं। साग लेकर आ गए हैं घर। देखिए कितना सुंदर, और बहुत सारा साग लेके आए हैं ताकि ये 2 दिन खा पाए। तो इसको देखिए फ्रेश कर लिए हैं, इसके डंठल वंठल अलग कर लिए हैं, और इसको अच्छे से हम धो लेंगे 2 से 3 पानी से। इसको अच्छे से वाश करना है ताकि इसका धूलकन साफ हो सके, और कीड़ा मकोड़ा देख के ही आप इसको जब भी साफ करते वक्त ध्यान रखना होगा, और पानी को वेस्ट ना करें, पौधे में ज़रूर डालें ताकि इतने खूबसूरत सब फूल आपके आंगन में मिल सके। और कुछ देर के लिए हम इसको सूखे में रख देंगे गरने के लिए, पानी पूरा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद सरसों का तेल में हम इसको देखिए 1 चम्मच यहाँ पे साबुत जीरा और सूखी मिर्च। सूखी मिर्च से थोड़ा चटपटा ये बनता है। आप यहाँ पे लहसुन डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। हम हमेशा प्याज ही डालते हैं। थोड़ा ज़्यादा प्याज डालिए ताकि ये भाजी आपको स्वादिष्ट बने। और जब भी आप ज़्यादा प्याज डालते हैं, ऐसे तो ये गर्मी के दिन में ही मिलता है ज़्यादातर, तो लू से भी हमें बचाता है। प्याज का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें ऐड कर दिए पटुआ साग को, और नमक हम तुरंत से डालेंगे। अगर ज़्यादा देर कीजिएगा तो ये सारा साग चिपक जाता है और आपका नमक सही से नहीं मिलेगा। तो नमक डालने के बाद तुरंत से चलाएं इसको, और जहाँ तक हो सके बराबर से चलाएं। अगर आप एक जगह छोड़ दीजिएगा तो खुद ब खुद नमक इधर उधर जैसे और साग में जाता है वैसे नहीं जाएगा, कहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आँच को कम कर दीजिए, और उसके बाद जो देखिए तुरंत से गल गया साग। और फिर इसको हम चलाते हुए, ये साग को हम काटते नहीं हैं, बीच का उसका जितना रेशा है उसको निकाल देते हैं, और ये ड्राई रहता है भाजी। आप चाहे तो गीला भी बना सकते हैं, और इसको आलू के साथ भी बना सकते हैं, और इसका पटवा का जो है कि झोर भी बनता है वो भी स्वादिष्ट रहता है, लेकिन थोड़ा लिसलिसा रहता है तो सब लोग पसंद नहीं करते हैं। और हम देखिए बना के रेडी कर दिए, बस ड्राई ही ड्राई। और इसको खाइए चावल दाल के साथ, या ऐसे भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हम तो चावल के साथ खा रहे हैं, आप भी इसका आनंद लीजिए, आज ही बनाइए। आयरन कैल्शियम से भरपूर, फाइबर से भरपूर, और अपने परिवार को दीजिए हेल्दी और टेस्टी डिश। तो वीडियो जैसा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।